चर्चा का प्रारंभ हमारे विद्वान मित्र सुरजेवाला जी ने किया तो उन्हें थोड़ा छेड़ दिया। माननीय सभा उपसभापति जी, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई छोड़ दे छेड़ दे तो फिर छोड़ते भी नहीं। उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए, शकुनी चौपड़ चक्रव्यूह, और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुन तैसी। जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यम, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवाभी युगे युगे। कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूँ। माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। किसानों की सेवा और कृषि की सेवा का दायित्व उनके नेतृत्व में मुझे सौंपा गया है, और मैं इस दायित्व को पूरे परिश्रम, ईमानदारी, जिद, जुनून और जज्बे के साथ निभाने का प्रयत्न करूंगा। माननीय उपसभापति जी, मैं माननीय सभी सदस्यों का आभारी हूं। माननीय देवगौड़ा जी जैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपने विचार प्रकट किए, पक्ष के और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। चर्चा सार गर्भित थी। मैं माननीय सदस्यों के विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चर्चा में जो सकारात्मक सुझाव आपने दिए हैं उन पर सरकार गंभीरता के साथ विचार करेगी, और उनमें से जो व्यवहारिक होंगे निश्चित तौर पर किसानों के हित में सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी, उठाने का प्रयत्न करेगी। माननीय उपसभापति जी, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5,000 साल से तो ज्यादा ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब यहाँ हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। इस चर्चा को मैंने इसी रूप में लिया है कि लक्ष्य एक है, किसानों का कल्याण। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। हम प्रयत्न करेंगे कि सारे सुझाव को समाहित करते हुए आगे बढ़े। लेकिन माननीय उपसभापति जी, जितना हमारा राष्ट्र प्राचीन है उतनी हमारी खेती भी प्राचीन है। हजारों साल पहले से भारत में कृषि होती रही है। हमने बचपन में कई पौराणिक संदर्भ पढ़े हैं। जब ऋषि भी बच्चों को शिक्षा देते थे गुरुकुल में, तब भी उनके पास खेती होती थी, और हमारे उस समय के बच्चे सीखते भी थे, पढ़ते भी थे और करते भी थे। इस कृषि को इसी भाव से लेकर हम कैसे किसानों के लिए बेहतर काम कर सकते हैं, उसका हम प्रयत्न करेंगे। माननीय उपसभापति जी, मैं तो सीधे सीधे अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन जब चर्चा का प्रारंभ हमारे विद्वान मित्र सुरजेवाला जी ने किया तो उन्हें थोड़ा छेड़ दिया।
माननीय सभा उपसभापति जी, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो फिर छोड़ते भी नहीं। असल मैं वहीं से आरंभ करना चाहता हूं, बेहतर होता वो आज यहां उपस्थित होते। माननीय उपसभापति जी, उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए, शकुनी चौपड़ चक्रव्यूह, और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुन तैसी। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौपड़ में तो धोखे से ही हराया गया था, और चक्रव्यूह मतलब फेरवार नहीं, घेर के मारना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रभू, सकनी, चौपड़ ये याद आते हैं? माननीय उपसभापति जी, जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यम, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवाभि युगे युगे। हमको तो कन्हैया याद आते हैं। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अत्याचार अनाचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए मैं बार बार आऊंगा, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। लेकिन अनीति और अधर्म किसने किया? ठगी किसने की? माननीय उपसभापति जी, कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं। यह आज से नहीं, आज से नहीं, प्रारंभ से ही कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत रही है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन भारतीय परंपरा खेती के बारे में उसका निर्वाह नहीं किया। रूस गए, वहां से एक मॉडल देख के आए और कहा कि रूस का मॉडल लागू करो। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने कहा यह नहीं हो सकता, भारत की कृषि की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। प्राथमिकताएं गलत थी उपसभापति जी। 17 वर्ष तक उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पद को सुशोभित किया, लेकिन तब क्या होता था? अमेरिका से PL-480 सड़ा हुआ लाल गेहूं भारत को खाने पर विवश और मजबूर होना पड़ा। माननीय उपसभापति जी, स्वर्गीय इंदिरा जी के समय, मुझे अच्छी तरह याद है, हम छोटे थे, उस समय किसानों से जबरदस्ती लेवी वसूली का काम होता था, जबरदस्ती लेवी वसूली जाती थी। अगर 2 क्विंटल भी है तो 1 क्विंटल दे के जाओ। बिंडे खोद दिए जाते थे, रखा हुआ अनाज उठा लिया जाता था। भारत आत्मनिर्भर नहीं हुआ। स्वर्गीय राजीव जी ने भी बात जरूर की, उन्होंने बात अवश्य की एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी की, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाए। यहां तक कि माननीय उपसभापति जी, उदारीकरण का प्रारंभ हुआ, स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे, लेकिन उस समय भी कृषि से जुड़े उद्योगों को डी लाइसेंसिंग नहीं किया गया, क्योंकि प्राथमिकता गलत थी। और माननीय उपसभापति जी, 2004 से 2014 के बीच की मैं क्या बात कहूं, उस समय ये भारत जो प्राचीन और महान राष्ट्र है, जिसने दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया था, उस समय घोटालों के देश के रूप में दुनिया में जाने जाने थे। 2G 3G 4G। माननीय उपसभापति महोदय,
और तब भारत के राजनीति में, आप धैर्य से सुनिए, तब भारत के राजनीतिक क्षेत्रज पर उदय हुआ एक दैदीप्यमान सूर्य का, जिसने सारे देश को आशा और विश्वास से भर दिया। उनका नाम था नरेंद्र मोदी। कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत थी, मोदी जी के नेतृत्व में प्राथमिकताएं बदलने का काम हुआ। और खेती के लिए माननीय अध्यक्ष जी, हमारी 6 प्राथमिकताएं मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। 6 प्राथमिकताएं। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। नंबर 2, उत्पादन की लागत घटाना। नंबर 3, उत्पादन के ठीक दाम देना। और नंबर 4, प्राकृतिक आपदा में ठीक राहत की राशि देना। नंबर 5, कृषि का विविधीकरण, खेती में वैल्यू एडिशन। और माननीय अध्यक्ष उपसभापति जी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहे, इसलिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास सुविचारित ढंग से। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, खेती का रोड मैप बना के काम कर रही है।